मैं एक एयरब्रश कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, बिकॉज हमको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कौन से एयरब्रश में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है। सो मेरा आज का वीडियो का मेन बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेके बात करूँ एयरब्रश की, जो लोगों को पता नहीं होती। मैक्सिमम हमारी मेकअप इंडस्ट्री में क्या है कि हम लोग एक दूसरे की देखा देखी पे जाते हैं कि उसके पास ये एयरब्रश है तो हम ले लें, या उसके पास वो एयरब्रश है हम ले लें, वो यूज़ कर रहे हैं तो हम ले लें। सो मैक्सिमम लोग अपना दिमाग कम लगाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए दूसरों के उस पर जाते हैं कि हाँ अगर वो यूज़ कर रहा है तो मैं भी वही ले लूँ। बट मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं ये सिखा सकूँ, बता सकूँ आप लोगों को, एक नॉलेज दे सकूं, अवेयरनेस क्रिएट कराऊं कि कितने तरह के एयरब्रश होते हैं, किसका क्या पर्पस होता है, किसकी क्या यूसेज है। ये आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज एनी एयरब्रश आर्टिस्ट आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इस एयरब्रश के ऊपर आते हैं। ये जो है ये आईवाटा का एयरब्रश है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आईवाटा एक जापानीज ब्रांड है और ये अकेला ऐसा ब्रांड है जो आपको लाइफ टाइम वारंटी देता है एयरब्रश के ऊपर। सो और ये एक 90 साल पुरानी कंपनी है, 90 इयर्स ओल्ड कंपनी, और हमारे पास तकरीबन 72 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एयरब्रश हैं। हम सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री को ही केटर नहीं करते, हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, जैसे बॉडी आर्ट्स, टैटूइंग, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, केक डेकोरेशंस, चॉकलेट मेकिंग और बहुत सारी इंडस्ट्रीज। तो चलिए आज हम मेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर करेंगे। सो ये वाला जो एयरब्रश है इसको बोलते हैं ग्रेविटी फीड डुअल एक्शन एयरब्रश। ये जो आप एयरब्रश देख रहे हैं दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी फीड डुअल एक्शन एयरब्रश। तो निकाल के हम देखते हैं इस एयरब्रश में क्या निकलता क्या है। ये मैंने एयरब्रश खोला, ये इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है जो इसके अंदर आपको निकलती है, तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये आपका एयरब्रश इस तरीके से आता है इसके अंदर, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस एयरब्रश का कि आप आईवाटा एयरब्रश में किसी भी ब्रांड का कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इसमें अपनी रेगुलर फाउंडेशंस तक डाल के यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन हो, बॉबी ब्राउन हो, अरमानी सिल्क हो, हुडा ब्यूटी हो, लैंकॉम हो, कोई भी फाउंडेशन हो, एले गर्ल हो, मेकअप फॉर एवर HD हो, कोई भी रेगुलर लिक्विड फाउंडेशन आप आईवाटा के एयरब्रश में डाल सकते हैं। सो इसके अंदर आप देखेंगे आप इसमें आपको दो कप्स मिलते हैं। जो ये बड़ा वाला कप इसमें लगकर आया है ये आपका बॉडी आर्ट्स एंड टैटूइंग के लिए होता है, और इसमें जो ये छोटा कप आप देख रहे हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका फेस मेकअप एंड नेल आर्ट के लिए यूज़ होता है। सो ये एक मल्टीपर्पज गन है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री के ही स्टूडेंट्स या मेकअप आर्टिस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोग इस एयरब्रश को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए मैं आपको अब ये एयरब्रश निकाल के दिखाता हूँ। सो ये आपका एयरब्रश है आईवाटा का। इसमें जैसे कि मैंने बताया था आपके दो कप्स लगे होते हैं, दो कप्स होते हैं, एक कप तो इसके ऊपर लगा हुआ है और दूसरा कप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दूसरा कप जो है वो ये रहा, तो मैं बड़ा वाला कप जो है, बिकॉज अभी मुझे बॉडी आर्ट्स वाला काम नहीं करना, मुझे मेकअप वाला काम करना है, तो ये वाला कप मैंने खोला और ये वाला कप मैंने इसके अंदर सेफली इंसर्ट कर दिया। दूसरा ये छोटा वाला कप निकाला, ये देखिए ये छोटा वाला कप निकाला। कभी भी कप को आपको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, सीधा डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, ये स्लिपरी होता है। इसमें आप फिंगर इंसर्ट कीजिए, इस पर रखिए और बाकी फिर दोनों फिंगर से इसको रोटेट कीजिए, इससे आपका कभी कप गिरेगा नहीं और सेफली इसके अंदर लग जाएगा। तो ये देखिए ये प्रॉपरली आपका एयरब्रश लग चुका है, कप जो है वो एयरब्रश के ऊपर लग चुका है। ठीक है, ये हमारा एयरब्रश तैयार हो गया। तो हम एयरब्रश को थोड़ा यहाँ रखते हैं और अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो कि है एयर कंप्रेसर। सो आईवाटा का जो ये लेटेस्ट सीरीज वाला कंप्रेसर है इसको हम बोलते हैं नियो एयर कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का जो मेन एडवांटेज है वो ये है, इसमें 3 स्पीड्स के ऊपर ये काम करता है। इसमें प्री डिफाइंड स्पीड्स होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए अलग स्पीड है, बॉडी आर्टिस्ट के लिए अलग स्पीड है,
केक डेकोरेशंस या ज्वेलरी डिजाइनर्स के लिए अलग स्पीड है, तो इसमें हर स्पीड प्री डिफाइंड होती है। सो आपको इसमें ये दिक्कत नहीं आती कि आपको कौन सा एयर ब्रश कौन से के लिए क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। सो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेकअप करना है तो इसमें बताया होता है कि मेकअप के लिए कौन सा बटन यूज होगा। सो अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और इसमें दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या निकलता है। सो ये मैंने बॉक्स खोला, इसके अंदर ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे बनी हुई है जो पूरा जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। और इसके अंदर आपका पहली चीज़ जो निकलती है वो निकलता है नियो एयर कंप्रेसर। तो इसकी मैं ये सील ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखाऊं कि कैसा निकलता है वो कंप्रेसर। ये मैंने इसका प्रोटेक्टेड कवर हटाया और ये आपका नियो एयर कंप्रेसर है। सो इसको मैंने आराम से फोल्ड किया और यहाँ रख दिया। ये आपका कंप्रेसर यूनिक इसलिए है और दूसरे कंप्रेसरों से क्योंकि इसका मेन एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आपका पहली बात तो पीछे मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर दे रखा है जो किसी भी दूसरे एयर ब्रश में नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड द मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर जो आपके मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। अगर आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका आपका नमी बहुत ज़्यादा है, किसी कोस्टल एरियाज में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, श्रीलंका में, तो वहाँ पे इस मॉइस्चर कंट्रोल फिल्टर का बहुत अच्छा काम होता है कि वो हमेशा मॉइस्चर एयर सक करने के बावजूद भी आपको हमेशा ड्राई एयर देता है। सो ये आपका न्यू एयर कंप्रेसर हो गया। इसके साथ साथ आपको जो से साथ में मिलता है वो ये हॉस पाइप का और उसका एयर ब्रश होल्डर का सेट है। ये मैं आप खोल रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये मैंने खोला, इसके अंदर एक तो ये एयर ब्रश होल्डर निकलता है जो ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, इसमें एक बार लगा दिया बात खत्म, ये लॉक हो गया, ये देख सकते हैं आप ये लॉक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका हॉस पाइप है। ये मैंने हॉस पाइप लिया, हॉस पाइप को खोला, ये लंबा हो गया हॉस पाइप। हॉस पाइप के दो एंड्स होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं ये दो एंड्स होते हैं हॉस पाइप के, ये देखिए दो एंड्स आपको दिख रहे होंगे। और एक आपका कट एंड होता है और एक आपका मेटालिक एंड होता है। तो जो आपका कट एंड होता है वो आपका एयर ब्रश पे लगता है, आपका कंप्रेसर पे लगता है, और जो दूसरा जो एंड होता है मेटालिक एंड वो आपका एयर ब्रश पे लगता है। तो अब ये मैं इसके अंदर आपको आपके सामने मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट करूंगा। ये भी वन टाइम एक्टिविटी है, आपने एक बार इंसर्ट कर दिया बात खत्म, आपको बार बार निकालने लगाने की जरूरत नहीं है, ये लॉक हो गया इसके अंदर। उसके बाद ये मैंने हॉस पाइप लिया और एयर ब्रश उठाया, एयर ब्रश में इस तरीके से इसको मैंने लॉक कर दिया। ये मैंने ये एयर ब्रश होल्डर में रखा। अब आप देख सकते हैं ये पूरी आपकी एयर ब्रश किट रेडी हो चुकी है। और ये लॉन्ग इनफ पाइप होता है, आपको थोड़ा दूर भी अगर क्लाइंट बैठा हो तो इजीली आप मेकअप कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपकी मशीन आपको दिखाई देती है जब ये होल्डर पे लग जाती है। तो ये तो हो गया आपका एयर ब्रश। अब हम बात करते हैं कंप्रेसर की, सॉरी कंप्रेसर हो गया, अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स की। आइवाटा आपको हर कंट्री के सॉकेट्स देता है, जैसे इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के सॉकेट इसके अंदर अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंट्री में हैं, या कई बार जैसे आप बार बार अलग आप 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पे आपको ये अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग सॉकेट्स मिलते हैं। तो ये मैंने इसमें निकाला, अभी तो फिलहाल मैं इंडिया वाला सॉकेट ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम इंडिया में हैं। सो ये इंडिया वाला सॉकेट मैंने लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा। इसको घुमाइएगा नहीं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, ये आपको अलग अलग लोकेशंस पे बहुत काम आएगी। ये आपका अडैप्टर है, ये मैंने अडैप्टर की सील खोली, ये अडैप्टर निकाला मैंने, इसको रखा, इसको मैंने एज इट इज फोल्ड करके मैंने इसमें रख दिया। और अब जो हमने क्या किया, हमने ये अडैप्टर निकाला और अडैप्टर पे ये हमें क्लिक करना होता है, तो हमने ये हुकअप करके हल्का सा क्लिक कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं अडैप्टर भी लग चुका है हमारा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसका हमने
ये हॉर्स, ये हमने इसकी जो टाइम केबल है, हमने टाइम केबल खोली और इस तरीके से हमने टाइम केबल इसकी निकाल दी, इसको रखा और ये हमने पूरी टाइम केबल खोल दी इस। और यहाँ पे इसका पॉइंट होता है, या हमने पॉइंट पे इसको लगाया इस तरीके से, ये हमने लगा दिया और इसको हमने पावर सप्लाई में लगा दिया। सो अब हमारा ये पावर सप्लाई में लग चुका है और अब हम देखेंगे, अगर हम ऑन करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे क्लिक किया ये पर्पल कलर में ग्लो कर रहा है, मतलब ये मेकअप के लिए है। जब मैं इसको फिर से क्लिक करूँगा ये ब्लू कलर हो जाएगा, मतलब ये बॉडी आर्ट्स के लिए है। मैं तीसरी बार क्लिक करूँगा ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये नेल आर्ट्स के लिए है। और चौथी बार में मशीन ऑफ हो जाती है। इस पर्टिकुलर कंप्रेसर का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है हमको कि इसमें 10 मिनट का ऑटो कट डाउन होता है, विच मीन्स कि अगर आप इसको ऑन करके छोड़ के चले गए, भूल गए, ये मशीन ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद बंद हो जाती है। तो कभी भी आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि आपकी मशीन जल के फूक गई। इसमें डबल प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे रखी है, एक तो अडेप्टर में प्रोटेक्शन दे रखी है और दूसरा इस मशीन में भी 10 मिनट का ऑटो कटडाउन दे रखा है। ये तो हो गया एयर ब्रश की अनबॉक्सिंग। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसका यूसेज बताऊंगा कि इस मशीन को कैसे यूज करना है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। अभी हमने पूरी एयर ब्रश को असेंबल कर लिया है, उसके जो पार्ट्स हैं हमने वो लगा दिए हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीके से लगते हैं। अब इनमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स डाल के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे कोई भी प्रोडक्ट आई वाटर में यूज़ हो सकता है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये दो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे आते हैं। एक को बोलते हैं HD ग्लो ऑयल, जो कि मॉइस्चराइजर और प्राइमर होता है, जो कि आपका मेकअप के दौरान जब आप CTM करते हैं तो ये CTM का M और P है, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमिंग, ये वाला प्रोडक्ट। और जो दूसरा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं HD फिक्स, ये आपके मेकअप को एक तो लॉक करता है 18 से 20 घंटे के लिए, और दूसरा ये एक सिलिकॉन बेस्ड डाइल्यूटर भी है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फाउंडेशन को डाइल्यूट करके आई वाटर में यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे एयर ब्रश को यूज़ करना होता है, एक जस्ट अ वेरी क्विक डेमो। ये आपका एयर ब्रश है, जैसे आप देख रहे हैं ये एयर ब्रश है और इसको बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर, इस ट्रिगर का मेन पर्पस क्या होता है, ये ट्रिगर आपका प्रोडक्ट और एयर दोनों को कंट्रोल करता है। एक मार्केट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं है। दो तरह की मार्केट में एयर ब्रश आती हैं, एक होती है सिंगल एक्शन गन और एक होती है डबल एक्शन गन, या मैं उसको ड्यूल एक्शन गन भी बोल सकता हूं। सिंगल एक्शन गन और डबल एक्शन गन में क्या फर्क होता है ये आप समझ लीजिए। सिंगल एक्शन गन के केस में आप सिर्फ ट्रिगर से प्रोडक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एयर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंगल एक्शन गन से आप ट्रिगर की हेल्प से सिर्फ प्रोडक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एयर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और डबल एक्शन गन में, जो कि आईवाटर की डबल एक्शन गन है, इस गन से आप प्रोडक्ट और एयर दोनों ही ट्रिगर से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बात कीजिए, देखिए ऑलमोस्ट ऑल द रियल एयर ब्रश मेकअप आर्टिस्ट, जो असली मेकअप एयर ब्रश मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो हमेशा आपको डबल एक्शन गन ही यूज करते हुए दिखाई देंगे। सिंगल एक्शन गन कोई आर्टिस्ट यूज नहीं करता। सिंगल एक्शन गन सिर्फ वहां यूज होती है जहां पे ज्यादा प्रिसीशन वाला काम हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमको पेंट करना है। डबल एक्शन गन वहां पे यूज होती है जहां पे हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो फाइननेस स्प्रे क्वालिटी है, वो भी फाइन चाहिए और बहुत ही प्रिसीशन वर्क चाहिए और बहुत ही सफाई वाला काम चाहिए ताकि ज्यादा फ्लॉलेस फिनिश आए। इट इज हाईली एंड हाईली रिकमेंडेड कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमेशा आपको डबल एक्शन एयर ब्रश ही लेना है। सिंगल एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, इट इज फॉर वेरी 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 बिगनर्स, और पहली बात तो वो मेकअप इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीज भी नहीं है। मेकअप इंडस्ट्री में जो मेन यूज होता है वो डबल एक्शन गन यूज होती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब एक जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो बहुत रेज होता है कि कैसे पता लगाया जाए कि जो आपकी गन है वो सिंगल एक्शन है कि डबल एक्शन है। तो फ्रेंड्स, उसको पता लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला, अगर हम ट्रिगर के हिसाब से चलें, तो अगर आपका ट्रिगर सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करता है, तो वो सिंगल एक्शन गन होती है। और अगर आपका ट्रिगर डाउनवर्ड में भी मूव करता है, जैसे ये देखिए आप इसे डाउनवर्ड में मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी मूव करता है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो डबल एक्शन गन कहलाई जाती है। अब कुछ कंपनीज ने ऐसा कर रखा है कि उनकी गन में पता नहीं चलता कि वो गन सिंगल एक्शन है कि डबल एक्शन है। तो सो फ्रेंड्स, उसको पता करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि गन को कंप्रेसर से कनेक्ट कीजिए, कंप्रेसर को ऑन कीजिए। कंप्रेसर ऑन करते ही विदाउट टचिंग द ट्रिगर, अगर आपकी आगे से एयर कॉन्टिन्यूसली निकलती जा रही है, एयर कॉन्टिन्यूसली निकलती जा रही है, इसका मतलब यह है कि वो सिंगल एक्शन गन है। ये लोगों को नहीं पता होता। मोर देन 80-85% ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जो इंडिया में हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सिंगल एक्शन और डबल एक्शन नाम की भी कोई चीज है। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर दैट एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको हमेशा डबल एक्शन गन ही लेनी है, क्योंकि उसका प्रिसीशन भी ज्यादा होता है, उसकी स्प्रे क्वालिटी भी ज्यादा फाइन होती है और प्रोडक्ट कंट्रोल भी ज्यादा होता है। कई बार हम जब आप मेकअप करते हैं, हमको कई बार ज्यादा एयर चाहिए और कम प्रोडक्ट चाहिए, कई बार ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए और कम एयर चाहिए, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो हम एक डबल एक्शन गन से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिंगल एक्शन गन से हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने सिंगल ये डबल एक्शन गन जो हमने ली है, इसमें ट्रिगर एक तो नीचे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मेरा कंप्रेसर ऑन होते ही इसमें से कॉन्टिन्यूसली एयर निकलने लग जाए विदाउट टचिंग द ट्रिगर, इसका मतलब ये है कि वो सिंगल एक्शन गन है। अगर वो डबल एक्शन गन होती तो कंप्रेसर ऑन करने पे एयर नहीं निकलती। ये जैसे कि डबल एक्शन गन है, डबल एक्शन गन में एयर तभी निकलती है जब हम इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं, जब हम इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं तभी एयर निकलती है। तो ये एक श्योर शॉट आइडेंटिफिकेशन है कि अगर सिर्फ प्रेस ट्रिगर को प्रेस करने से ही एयर निकल रही है, दैट मींस वो डबल एक्शन है। और अगर एयर कॉन्टिन्यूसली निकलती जा रही है विदाउट टचिंग द ट्रिगर, तो मतलब वो सिंगल एक्शन है। तो चलिए मैं आपको अब ये दिखाता हूं कि एयरब्रश को पकड़ा कैसे जाता है, एयरब्रश को पकड़ने के तरीका क्या है। आप यहां देख सकते हैं कि ये तीन फिंगर्स यहां आपको रखनी है, थंब रखना है, इंडेक्स फिंगर, टेम्पल ग्रिप। तो इस तरीके से एयरब्रश को पकड़ा जाता है। मैं आपको एयरब्रश का दूसरा साइड दिखा दूं कि एयरब्रश को मैंने इस तरीके से पकड़ा है, ये देखिए आप देख सकते हैं तीन फिंगर्स यहां, थंब यहां, इंडेक्स फिंगर, टेम्पल ग्रिप, इस तरीके से एयरब्रश पकड़ी जाती है। चलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि डबल एक्शन गन में जब स्प्रे करते हैं तो उसका फील क्या आता है। ये मैंने एक नॉर्मल टिश्यू ले लिया है, ये मैंने एक नॉर्मल टिश्यू लिया है और इस पे मैं आपको एक कोई भी प्रोडक्ट स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये मेरा HD फिक्स डाइल्यूटर है, ये मैंने इसके एक दो पंप इसमें डाले जस्ट आपको शो करने के लिए। आईवर्टा में किसी भी ब्रांड का कोई भी लिक्विड यूज हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आईवर्टा में हम क्या यूज कर सकते हैं क्या यूज नहीं कर सकते। 20 साल भी इसमें अगर आप पानी यूज करें और अगर आपकी गन में जंग लग जाए, हमें गन वापस करके आप नई गन ले जाइएगा। ये प्योर स्टेनलेस स्टील की गन्स हैं, इनमें कभी भी रस्टिंग नहीं होती और आप इसमें किसी भी ब्रांड का कोई भी लिक्विड कुछ भी डाल के यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा वो लिक्विड होना चाहिए। एनीवे, अब मैंने मशीन ऑन करी और ये देखिए अभी अगर आप देख सकते हैं टिश्यू बिल्कुल नहीं हिल रहा है। सो दैट मींस ये आपकी डबल एक्शन गन है क्योंकि एयर नहीं निकल रही है। और जैसे ही मैं ट्रिगर को दबाऊंगा, ये देख रहे हैं आप, जब मैं ट्रिगर दबा रहा हूं तभी एयर निकल रही है, इसका मतलब ये आपकी डबल एक्शन गन है। तो अब मैंने इसको टिश्यू को पकड़ा और इसको मैंने प्रेस करके जब मैंने स्प्रे किया तो ये देखिए किस तरीके से ये स्प्रे निकल रहा है। ये मैंने प्रेस किया तो एयर निकलेगी और जब मैं बैक करूंगा तो प्रॉड निकलेगा। आपको आई थिंक वीडियो में दिख रहा होगा कि ये आपका प्रॉड निकल रहा है।
और मैं जितना ज़्यादा बैक करूँगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये मेन फंक्शन होता है कि जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो एयर निकल रही है और बैक कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट निकल रहा है। तो ये हमारे एयर ब्रश का फंक्शन होता है। और इसी तरीके से हम 45 डिग्री से एंगल में करके 4 से 5 फिंगर्स का डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग स्प्रे करते हैं फेस के ऊपर इन सर्कुलर मोशन। सो एयर ब्रश से जो फेस के ऊपर मेकअप होता है इट इज़ जस्ट लाइक स्प्रे पेंटिंग, कि हम लोग एक बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से इन सर्कुलर मोशन फेस के ऊपर ये प्रोडक्ट डाल रहे हैं ताकि एक बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आए। सो ये था सर आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एयरब्रश के बारे में कुछ चीज़ें बताई, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई। सो आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एयरब्रश किट्स का कंपैरिजन दिखाऊंगा, जिसमें आपको भी पता चलेगा कि कितने तरह के एयरब्रश मार्केट में अवेलेबल हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक वायर्ड एयरब्रश में और एक वायरलेस एयरब्रश में क्या डिफरेंस होता है, वो सब चीज़ें मैं आपका दूसरा वीडियो में कवर करूँगा। सो प्लीज़ मेरा दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, जिसमें आपको बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सा एयरब्रश की क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और कौन सा आपके लिए बेटर है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। इसी को लेके मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। सो दिस इज़ आई वाटर एयरब्रश, थैंक यू सो मच, बाय बाय।